अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फरा। मैं इमाद। खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे प्रोग्राम में, सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आपको मिलवाते हैं बहुत से जबरदस्त किस्म के मेहमानों से जो आपके साथ करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर। बिल्कुल बिल्कुल, और आज के जो हमारे मेहमान हैं अवामी नुमाइंदे, उससे पहले आज तो फादर्स डे पे के कहते हैं जो है ना, आप भी तो फादर जितने मैं बिल्कुल मैं भी फादर हूँ और मेरे फादर माशाल्लाह हयात भी हैं और उनको फादर्स डे पे मुबारकबाद देता हूँ मैं खुद भी और जितने भी जो बच्चे हैं वो अपने फादर्स हैं उन सबको और जो बच्चे हैं वो उनको चाहिए कि क्या कहते हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनके उनका बहुत ख्याल करें, उनका एहतराम करें, उनकी जितनी खिदमत कर सकते हैं करें, क्योंकि यही मौका है कि उनकी खिदमत करके दीन और दुनिया दोनों कमा लेंगे आप दोनों। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। बहुत से ऐसे प्रोग्राम या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितना गलत करते हैं। अगर आप जन्नत दुनिया में और आखरत में चाहते हैं तो अपने माँ बाप का ख्याल रखें। मेरे फादर नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मेरी माँ हयात है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनको पूरा वो टाइम दूँ, उनकी हर वो चीज़ सुनूँ। मुझे यकीन करें अब तक इमाम साहब मुझे मेरी पिटाई भी हो जाती है, लेकिन उनका हक होता है। तो इसी तरह जिस तरह हम बच्चे हैं, इसी तरह हमारे मुल्क का एक बच्चा है जिसको हम कराची कहते हैं। कराची को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जाता है। क्यों किया जाता है? बहुत सारी सब नजरअंदाज कर रहे हैं कराची को। बिल्कुल, इतने सारे सवाल आते हैं कि जो लोग क्या कहते हैं हुकूमत में आने से पहले इतने दावे करते हैं कि हम कराची को यूं बना देंगे, कराची को यूं कर देंगे, पाकिस्तान को कर देंगे, मगर फिर आने के बाद जो है फिर उनके पास इतने बहाने होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आज इन्हीं बहानों का हमें कुछ हल बताने के लिए और हमारे कुछ मसाइल का हल बताने के लिए आज हमने जिस मेहमान को बुलाया है, बहुत ही खास मेहमान है। तकरीबन 15-20 दिन से मैं उनको कॉल कर रही, सर आपने हमारे शो में आना है, आज वो आ ही गए हैं। बिलाल अहमद गफार साहब हैं जी, पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ पीटीआई है, एमपीए है, बहुत काम भी कर रहे हैं। और क्या क्या काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। थैंक यू सो मच सर, आप आए हमारे कहने पे। आज इत्तेफाक से फादर्स डे पे आप मौजूद हैं, माशाल्लाह आप भी फादर हैं, तो हैप्पी फादर्स डे। बस मुझे आज मैं जब असेंबली के सेशन के बाद घर गया तो मुझे मेरे बच्चों ने फादर्स डे का एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया। मेरे वालिद साहब हयात नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। मेरे वालिद साहब ने 18 साल कैंसर के मर्ज को फाइट किया और उनको 1988 में फर्स्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था और उनकी डेथ 2006 में हुई थी। इसी तरीके से मेरे दो चाचा, वो मेरे बड़े फेवरेट चाचा थे दोनों, वो भी कैंसर से इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ताला उनको भी जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन। हमेशा यही कहते हैं आपको, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और हमारी कोशिश होती है अच्छी अच्छी बातें करें, मगर कैंसर एक इतना ऐसा मौजी मर्ज है कि जो बहुत ही खतरनाक है, मगर उसका इलाज है अगर टाइम पे आप उसको पकड़ लें तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे हैं, कहीं जिस्म में कोई चेंजिंग हो रही है बिल्कुल करेंगे। हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो आपको और मजीद मालूम इस पे देंगे। तो आज हम बात करते हैं सर से जी, आप कराची पे बात करेंगे। कराची पहले तो क्या कहते हैं बिलाल अहमद साहब जो हैं, क्या कहते हैं आपसे आपके लीडर भी हैं, बहुत मुबारक हो। और पहले तो ये कि आपने कहाँ से तालीम हासिल की और थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। बिल्कुल, मैं एमबीए फाइनेंस हूँ और मैंने एमबीए 1999 में किया था। मेरी जो इंटरमीडिएट और बीबीए जो था वो कुलिस्तान जौहर का एक मशहूर कॉलेज कॉमेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल एजुकेशन है, मैं फर्स्ट बैच था उसका और हमने 97 में मुझसे बीबीए किया, 99 में एमबीए हुआ मेरा। उसके बाद जो फैमिली बिजनेस था उसमें ज्वाइन किया, जो हमारे गारमेंट्स का बिजनेस था, फैक्ट्री थी उसको ज्वाइन किया। और अभी पिछले तकरीबन 20 साल से मैं फाइनेंशियल मार्केट्स से एसोसिएटेड हूँ, एडवाइजरी करता हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स में, स्टॉक एक्सचेंज से मेरा, मैं जो ब्रोकरेज के साथ एक मेरा जॉइंट वेंचर है और जो हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजरी होती हैं वो उसमें मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन आप पॉलिटिक्स में आ गए एमपीए बनने के बाद, मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यह सवाल। तो आप बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे होते तो आप अपने काम पे और फैमिली का बैलेंस करना, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टाइम। मैं 2009-2010 की बात कर रहा हूँ कि मैं एक इमरान खान को फॉलो कर रहा था, 2010 में ज्वाइन की थी बिल्कुल,
और फिर बाद में जो मैंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बाकायदा आगाज किया था वो इंसाफ प्रोफेशनल फोरम था एक। अच्छा, अच्छा। तो उसमें आईपीएफ के जो वहाँ पे जो पॉलिसीज बनती थी, एनर्जी की पॉलिसी थी, ये नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2013 के इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, इंसाफ प्रोफेशनल फोरम। उसके बाद जब 2013 में जब इलेक्शन होने लगे थे तो उससे पहले एक तब्दीली रजाकार फोर्स बनाई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, उसमें मैंने अपने आप को रजिस्टर कराया था। और एक तब्दीली रजाकार को उस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को मैं हेड कर रहा था तब्दीली रजाकार को। और इलेक्शंस के बाद 2014 की एंड में मुझे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का प्रेसिडेंट मैं बना था। 2015 में जब लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए थे तो मैं ऑर्गेनाइजर था डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का। उसके बाद कराची कैबिनेट मेंबर, फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, और इस तरह ये चलता रहा। मतलब और मैं आपको एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बताऊं कि जो मेरा फर्स्ट असाइनमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था वो मेरा सोशल मीडिया पे था। मैं कराची पीटीआई कराची ऑफिशियल क्या जो फेसबुक पेज था वो उसमें से थोड़ी अपनी छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन करता था। अच्छा अच्छा। बार आप अभी जैसे आपने बताया माशाल्लाह 2010 से लेके अभी तक 2021 तक पिछले 11 साल में पीटीआई में अहम मौदों पे रहे, काम करते रहे। पीटीआई जैसी जमात में जितना जहाँ पे आपस के मामला बहुत एक दूसरे से, और उसमें इतनी आसानी से आप इतने ऊपर आ गए। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खूबी है कि आप में कोई एक आम आदमी होता है, वर्कर है, किसी भी पोजीशन पे हो, तो एक उसको खुला मौका दिया जाता है। वो खुल के अगर कोई किसी बात पे एग्री नहीं करता तो खुल के उसकी अपना व्यू पॉइंट देता है, और यही डेमोक्रेसी में होती है। अब हमारी पार्टी वो बादशाह वाली, वो जो नवाज शरीफ या भुट्टो की तो पार्टी है नहीं कि जो बिलावल भुट्टो ने कह दिया या नवाज शरीफ ने कह दिया वो सब एग्री कर जाते हैं। हमारे जो भी डिसीजन होता है एक डिटेल डिस्कशन होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, हीटेड आर्गुमेंट्स होते हैं, और यही डेमोक्रेसी। पसंद ना पसंद तो आपकी पार्टी में भी बहुत है। नहीं, मैं आप बताएं ना, देखें मैं आज आपको बताता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध में, यंगेस्ट MP है इन द असेंबली, वो भी उसका भी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो कंसल्टेंट्स थे वो भी आज हमारे साथ में हैं, जो NED के इंजीनियर्स हैं वो भी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो भी MP है। इसके अलावा जो जिनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक है, जिस फील्ड से आप कह लें, एक आम आदमी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुबह सिंध में रिप्रेजेंटेशन दी है। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही आपकी ही बात को आगे ले जाते हुए मेरा ये सवाल बनता है कि माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे लोग आपकी पार्टी में मौजूद हैं, खान साहब से लेके आप तक आप हमारे सामने बैठे हैं, आपने MBA किया है और सारी चीज़ें हम जो देखते हैं, तो मुझे ये बताइए कि इतना सब कुछ रिसर्च, पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद गरीबों के हालात को बेहतर नहीं कर पा रहे, उनका हल नहीं निकल रहा। डॉक्टर फराह, आपने एक बहुत रेलिवेंट सवाल किया है और मैं इसमें कोई डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक शॉर्ट आंसर दूंगा कि जो 70 साल का बिगाड़ है ना वो 3 साल में 4 साल में नहीं होता। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि जब हम इस हुकूमत में आए तो पाकिस्तान वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, पाकिस्तान का खजाना खाली था, हमारे पास जो इम्पोर्ट कवर जो था वो सिर्फ 3 हफ्ते का रह गया था। और ये हमारी कामयाबी है कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। और शुरू में जो हमने मेजर्स लिए थोड़े टफ मेजर्स थे, लेकिन आज उन टफ मेजर्स का नतीजा ये है कि उसके रिजल्ट आना शुरू हो गया और आम आदमी को उसको समरात मिल रहे हैं। और आज चाहे वो कोविड हो या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो, पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, और हमारी पॉलिसीज़ की वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको हम आम अल्फाज में वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी कह रहे हैं, वो आज पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। आम आदमी को ना पाकिस्तान के इकोनॉमिक से कोई मतलब नहीं है, उसको आटा चीनी दाल सस्ता चाहिए, उसको अपने बच्चे का स्कूल चाहिए, उसको एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए गवर्नमेंट का जहाँ पे उसका इलाज हो सके, उसको नहीं, इससे कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान। देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि बुनियादी सहूलत जो है ना, ये जो आर्टिकल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको ये हक देता है राइट ऑफ लिफ्ट का। इसमें बुनियादी जो सहूलियात हैं, पानी है, सेहत है, एजुकेशन है, ये सब एक आम आदमी की वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसका हक है। अब आप देखेंगे जो 18वीं तरमीम है उसके बाद ये जितने जो हैं ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं जिसका आपने नाम लिया और जो आपने बताया सड़कें बताई या एजुकेशन बताया या फिर दूसरी आपने हेल्थ की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, ये सारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। लोकल ब्रेक के बाद हम बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बिलाल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल पूछने, साथ रहिएगा हमारे।
वेलकम बैक। बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और आपसे जो बात कर रहे थे हम कि जो आम आदमी के जो मसाइल हैं उन मसाइल को कैसे हल करेंगे। देखिए आप जो आम आदमी, मैं उसी पे बात हो रही थी और उस पे ब्रेक हो गए। आम आदमी में मैं भी मौजूद हूं, हम सब मौजूद हैं। मुझे पेट्रोल सस्ता नहीं मिलता, मुझे चीनी सस्ती नहीं मिलती, मुझे आटा सस्ता नहीं मिलता, मुझे गोश्त सस्ता नहीं मिलता। चिकन में जो हमारी चिकन है उसको जो फीड दी जाती है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। इतने सारे सवाल हैं। आई नो कि आप सही कहते हैं 70 साल का बिगाड़ आप 3 साल में नहीं कर सकते, लेकिन सर हम यही सुन के हम बड़े हो गए, हमारी औलादे भी बड़ी हो जाएंगी। देखिए लोगों को पता होना चाहिए कि हुकूमत किस तरह चलती है। एक आपकी फेडरल हुकूमत होती है, फिर आपकी एक प्रोविंशियल हुकूमत होती है, और एक होती है थर्ड टियर हुकूमत जिसको आप कहते हैं लोकल बॉडीज गवर्नमेंट। अब जो मैं सुबह सिंह की बात करता हूँ कि जो आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन का कि एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली वो सिंध में नहीं है, जहाँ पे आपका जो फेडरल से पैसा NFC के नेशनल फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो पैसा प्रोविंसेस को आता है और प्रोविंसेस के थ्रू नीचे जाना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट टाउन्स UCs के लिए, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन 13 साल से सूबाई हुकूमत ने नहीं किया। और ये वो जितने भी देखें, पानी हो गया, सिवरेज हो गई, आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, ये सारे वो हैं जो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप इसको और नीचे डिटेल्स में जाएं कि जो लोगों के आम मसले हैं कि पानी नहीं है, सिवरेज का मसला है, रोड है, लाइटिंग का मसला है, स्ट्रीट लाइटिंग का मसला है, ये सब आपके बल्दियाती इश्यूज हैं। जब तक आप एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम नहीं लाएंगे ये आपके मसाइल हल नहीं होंगे। ये तो वो मैं बात हो गई बुनियादी कि जो आपकी सहूलियात होनी चाहिए। अब आपने आए महंगाई के पास। देखिए महंगाई अगर आपको कहें तो यह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक वाहिद जो चैलेंज रह गया है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, और जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए पूरी दुनिया में पोस्ट कोविड जो फिनोमेना हुआ है, पूरी दुनिया में कॉमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ी हैं। चाहे अब आप देखें, एक साल पहले जून में आपका $35 से $40 ऑयल था, और आज ऑयल $72-73 पे आ गया है। अब आपको पता हम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, अगर हमें जब महंगा ऑयल मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट से तो हमें पेट्रोल की प्राइसेस जो कंज्यूमर्स को वो बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरीके से आप कॉमोडिटीज की देख लें तो पूरी दुनिया में आपकी कॉमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी हैं। और तीसरी जो एक बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है कोविड में, क्योंकि आपके पास शिपिंग लाइन्स की फुली स्ट्रेंथ पे नहीं चल रहे थे, कंटेनर्स की शॉर्टेज थी, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गई है। जहां तक आपने कहा कि चिकन सही नहीं मिलती, गोश्त का सही नहीं मिलता या सब्जियां महंगी मिलती है, ये फिर आपका अगेन प्रोविंशियल सब्जेक्ट है कि जहां पे जो आपके DCs हैं या जो आपके ACs हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, वो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म देखें कि प्राइस कंट्रोल जो है ये आम आदमी को क्यों नहीं हो रहा। अब देखें जो एक चीज जो वेजिटेबल है, चाहे टमाटर है, प्याज है, आलू है, वो जब काश्तकार उसको उसकी प्राइस लेता है जो फार्म से होलसेल जिसको हम मंडी कहते हैं, और मंडी से आपकी आती है मार्केट तक, मार्केट और उसके बाद कंज्यूमर लेता है, तो वो जब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आप देखें कि उसमें कितना प्रॉफिट है, ये वो है कि जिसमें बीच में आपके जो मिडलमैन का ना प्रॉफिट आता है, जिसमें आपके होलसेलर का प्रॉफिट होता है, और ये एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। सर आप यही बात मैं आपके बात को आगे बढ़ाती हूँ कि मैं खुद सब्जी मंडी फ्रूट मंडी जाती हूँ, और जाके वहाँ से जब मैं बल्क में लेकर आती हूँ तो एक चीज जो मुझे यहाँ पे 1600 रुपए किलो मिलती है, 1600 की वो चीज मिलती है, वो चीज मुझे वहाँ से, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ की इस बार हमारे अल्लाह ने बड़ी बड़ा रहम किया है, बड़ी अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है की टमाटर है वो चाहिए फल हो उसकी हमें बम्पर क्रॉप्स हुई है। मुझे फोन आया इंटीरियर से कि यहाँ पे टमाटर इतना हो गया है कि हम काश्तकारों के साथ जुल्म हो रहा है और हम 5 रुपए किलो बेचने पे मजबूर हो गए हैं टमाटर। मैं हैरान हुआ, मैंने अपनी बीवी से पूछा कि आज टमाटर का क्या किलो बाजार में मिल रहा है, तो मुझे पता चला 40-50 रुपए किलो मिल रहे। जो चीज 5 रुपए से शुरू होकर 50 रुपए पे आम आदमी को मिल रही है, तो वो बीच के वो जो लूप होल्स हैं जिसको खत्म करना जरूरी है। और ये आपका देखें जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसका डोमेन होता है, ये प्राइस कंट्रोल कमिटीज होती हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट जो DCs होते हैं उनकी है ना ये सारी जिम्मेदारी होती है। आप मुझे अभी आप है ना वेबसाइट पर
देख लें बीसी की, और आप देख लें कि उसमें ऑफिशियल रेट गोश्त के क्या हैं, चिकन पे क्या, और मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस ऑफिशियल प्राइसेस पे वो चीजें बिकवा दें, या तो उनकी प्राइसेस गलत है या ये बीच में ये लोग है ना वो करप्शन हो रही है, दो चीजें, बाकी और कुछ कोई नहीं हो सकता। आप जो भी बात कर रहे हैं ना कि आपकी बात बिल्कुल सही है, डीसीज एसीज को कंट्रोल करना चाहिए, जो प्राइस लिस्टिंग करते हैं उनको कंट्रोल, मगर आवाम को ना जितनी उम्मीदें थी ना आपसे, जो तकरीरें आप लोगों ने की, जो जलसे आपने किए, उसमें बताया कि बस आप आएंगे और आप लोग चिराग रगड़ेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, तो अब वो आवाम को तो वही चीज़ एक्सेप्ट करना कि भाई पीटीआई आएगी, उम्मीदें उनसे ही होती हैं कि जिनको पता होता है कि कुछ करके दिखाएंगे। लोगों ने 30 साल 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी पार्टीज को आजमाया और इमरान खान से उम्मीदें हैं, और लोगों को पता है कि इमरान खान जो है वो एक उम्मीद है और पाकिस्तान के लिए वाहिद उम्मीद की किरण है। अब आप देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि चाहे सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान की हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, मुझे बताएं तो आप 20 साल में किसी एक लीडर ने यूएस को आंख से आंख मिलाकर कहा हो कि हम आपको हमारे बेसिस यूज नहीं करने देंगे ड्रोन अटैक ऑन अफगानिस्तान। साढ़े तकरीबन 3 साल होने लगे, एक ड्रोन अटैक हमारी सरजमीन से नहीं हुआ। जो पहले डू मोर का मुतालबा करते थे, अब वो हमसे बात करते हैं कि लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द सेटलमेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये फर्क है, ये हमारी रियल तब्दीली है, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं। बहुत सी बातें आपकी जहाँ पे अच्छी हुई हैं, वहाँ पे बहुत से बैकड्रॉप्स भी हैं, जिसमें अगर आप ये कहा जाए कि देखें, अगर आप कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग या जो जमीनें नाजायज बनी हुई हैं उनको तोड़ा जा रहा है, और जिन्होंने वो बनाई, जो गरीब उसमें रहते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस पे लगा दी, उनकी क्या गलती है? डॉक्टर फरा, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैलिड सवाल पूछा है, और मैं इसका, देखिए मेरी एक आदत है, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रेंक जवाब देता हूँ। ये सवाल उनके लिए बनता है, उन ऑफिसरों के लिए बनता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, केडीए, केएमसी, डीएमसी के लिए, जिन्होंने जाली लीजें दी, जिन्होंने आज भी दे रहे हैं, मैं आपको चाहिए तो उन ऑफिसरों का तायुन कौन करेगा? तो वो आपका लोकल बॉडी मिनिस्टर जो है, उसके अंडर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आती है, उसके नीचे केडीए आता है, डीएमसी आता है, केएमसी आता है। चाइना कटिंग किसने स्टार्ट की पाकिस्तान में, कराची में किसने शुरू की, आपको पता नहीं है? किसने आना पाको पे आना कब्जा किया, सबको पता है तो उसका। लेकिन मेरा सवाल ये बनता है कि जो 30 साल से इस सूबे पे हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने किसी एक ऑफिसर को जिम्मेदार ठहराया कि ये ऑफिसर जिम्मेदार है? आज आप कराची में चले जाएं, आपके बल्दियात के मिनिस्टर एसबीसीए के मिली भगत से, जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, वहां पे ग्राउंड प्लस 2 की बजाय ग्राउंड प्लस 6 और ग्राउंड प्लस 4 है, और जो कराची के A1 कैटेगरीज के जो इलाके हैं वहां पे पोर्शंस बन रहे हैं, और पोर्शंस की बोली दे रही है कि 50 लाख रुपए दो एक पोर्शन चढ़ा लो। सर, पहले उन ऑफिसर्स को सजा देनी चाहिए या उनको? मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि वो जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने जाली लीजें दी, जिन्होंने करप्शन किया, और मैं आज आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जितना करप्ट इदारा है, मेरे ख्याल में सूबा सिंध में इससे ज्यादा करप्ट इदारा कोई नहीं है। सर, आपकी बात, सारी बातें सही हैं आपकी। आप जो कह रहे हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब इलीगल काम कर रहे हैं, 30 साल से ये सब कुछ यहाँ हो रहा था, ठीक है, आपको वोट दे के आवाम लाई, इसीलिए आवाम ने इनसे छुटकारा। ये मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कम से कि जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, फेडरल हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत और नीचे लोकल गवर्नमेंट, एक तो आपकी एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड करता है कि जो लोकल बॉडीज का 140A का इम्प्लीमेंटेशन हो और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबे सिंध में का इजरा किया जाए। जब तक ये PFC नहीं होगा, आपके सूबे सिंध के मसाइल हल नहीं होंगे। और ये जो आपने जितने भी बताए ना, ये वो इश्यूज हैं जो लोकल गवर्नमेंट या सिंध हुकूमत से इसके लिंक्ड है। क्योंकि आप देखें कि 2-3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की एक स्पीच आई, एक स्पीच तो नहीं कहूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो मौसूफ कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान हर यूसी में सड़कें क्यों बनवा रहे हैं, पानी की लाइनें क्यों डलवा रहे हैं, गटर की लाइनें क्यों डलवा रहे हैं? क्योंकि मुराद अली शाह साहब 13 साल में आपकी हुकूमत ने नहीं कुछ नहीं किया, तो अब वो काम जो आपके हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रहा है। और आज की तारीख में
पूरे कराची में 9.5 अरब रुपए के जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ करा रही है। हर गली कूचे में वो चाहे वो सड़क हो चाहे वो पानी की लाइन हो सीवरेज के जो बल्दियाती इदारों के काम है वो आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ करवा रहे हैं। पहली मरतबा कराची की तारीख में होता है और ये होती है असल ओनरशिप। अब तो सुनिए एक और नई जंग शुरू हो गई जी, पंजाब में पानी ज्यादा है तो कराची वाले को नहीं मिलता, तो ये सर ये मुझे क्या बड़ा जंग? मुझे बड़ा है ना अफसोस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत को कुछ नहीं मिलता तो उनके पास एक ही चीज बचती है, वो बड़े मासूम नियत से सिंध कार्ड खेलने चलते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपकी व्यूअर्स से कि एक कार्ड है सिर्फ और वो है पाकिस्तान कार्ड, और कोई कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ सिंध कार्ड आपकी वो इनका चोरा नहीं बिकेगा। बहुत इन्होंने 14-15 साल में लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। मुझे एक बात बताएं, कभी वो पानी की चोरी कर देते हैं, कभी वो कहते हैं कि कुछ और एनएफसी के पीछे छुपते हैं। बात यह है कि हमारा चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब ने दावत दी कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस आए और वो बैराजेस का दौरा करें और वहां पे खुद वेरीफाई कर लें कि कितना पानी डिस्चार्ज हो रहा है और कितना हो रहा है। इरसा की प्रेजेंटेशन है, इरसा की पूरी एक डिटेल उनकी प्रेस रिलीज है कि सिंध का कोई पानी जो है वो जो काटा नहीं जा रहा, बल्कि जो पंजाब में जो है वो शॉर्टेज एज कम्पेयर टू सिंध बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। हमने कहा कि हम आते हैं, जब पंजाब ने कहा कि हम सिंध का है ना डेटा वेरीफाई करने आते हैं तो सिंध हुकूमत ने मना कर दिया, नहीं हम आपको आने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये तासुब की सियासत जो पहले 1980 या 1990 में होती थी, अब ये सिंध में तासुब की सियासत नहीं चलेगी। और मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि मुराद अली शाह साहब जो है वो अब तासुब की सियासत कर रहे हैं। कराची की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कराची की जो आवाम है कितने लोग यहाँ पे है आज तक ये कन्फर्म ही नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो एक बजट जो बजट में रखने का रीजन ही ये है कि जो 10 साल बाद सेंसस होता है, अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार जल्द सेंसस करवाना जा रहा है और साइंटिफिक बुनियादों पे, जदीद स्टैंडर्ड्स पे, ताकि एक बार सेंसस हो जाए तो पता चल जाए कि सुबह सिंध में कितने लोग हैं, पंजाब में कितने लोग हैं, केपीके में कितने लोग हैं, बलूचिस्तान में कितने लोग हैं। हर जगह से ना ये प्रॉब्लम आती है, हर जगह से ये वो आता है। इस दफा सेंसस बिल्कुल ईमानदारी के साथ होंगे कराची के। देखिए मैंने आपको कहा ना वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये अब 10 साल के बाद जो होता है सेंसस, आपकी पॉपुलेशन काउंटिंग तो रोज होती है, उसको अपडेट कर दिया जाए। आपके इसमें हाउस होल्ड होते हैं, सेंसस एक बहुत डिटेल एक्सरसाइज होती है। इसको अब है ना प्लानिंग के जो हमारे मिनिस्टर है अली असद उमर साहब, वो अब इसको इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के तहत और जो टेक्नोलॉजी का यूज, अब आप टेक्नोलॉजी के दौर में अब वो मैनुअली काउंटिंग और वो फिजिबल नहीं है, तो गो फॉर द टेक्नोलॉजी। तो अब जो सेंसस होगा, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये जब सेंसस होगा तो किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और ये कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नया सेंसस कराने जा रही है, और जो 2017 का जो सेंसस हुआ था वो मुस्लिम लीग नून नवाज ने करवाया था, और आखिरी सेंसस के बाद जो हुआ था और अभी वाला जो सेंसस है उसमें तकरीबन 16-17 साल का फर्क है। सर कराची वालों को सेंसस से भी अब कोई मतलब? कराची वालों को चाहिए, कराची वाले कहते हैं कि हमें के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाएं हमारी, ठीक है 8-8 घंटे 12-12 घंटे बिजली नहीं आती हमारे पास, ठीक है हर चीज़ महंगाई, स्कूल की फीस बढ़ गई, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, उनको तो ये चीज़ें चाहिए। अच्छा ये आपने देखें, अब आपका जो सवाल है ना, ये जो गवर्नमेंट स्कूल चाहिए, और ये आपका सवाल बनता है सिंध के जेर तालीम, वजीर तालीम से नहीं, मैं जेर तालीम से कह रहा हूँ, सईद गनी साहब से आप पूछे। और आज की जो रिपोर्ट है वो ये है कि पूरे सिंध का जो 52% बच्चा है वो क्लास 5 के बाद तालीम हासिल नहीं करता, करने नहीं देते उनको है कि तालीम अगर सिंध में हो गई तो शायद है ना वहाँ पे अवेयरनेस आने की। एक चीज बड़ी अच्छी, जैसे पीटीआई ने अपने जितने भी इलेक्शन में अराकीन को जिनको टिकट दिया वो जनरली बिल्कुल आम आदमी और क्या कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक वाले और पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया, मगर असेंबली में आने के 2.5 साल में
उनको जैसे कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रन पकड़ता है, तो वो पीपल्स पार्टी वाले सबसे ज्यादा, तो वो आप लोग ने भी सारी मलबा उन पे डालने वाला सीख लिया। मलबा डालने की बात ही नहीं, जिसका जो डोमेन है, और फिर वो हमारे जो मुराद अली शाह साहब, मुराद अली, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं भी उसका भी बताता हूँ, मुराद अली शाह साहब जो है वो फिर बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं कि वफाक जो है वो सिंध में क्यों काम करा रहा है, ना वो खुद काम करते हैं ना हमें काम करने देते हैं। और एनओसी हमें अगर जहाँ आप बैठे हुए हैं, अगर इस इलाके की आपने सेवरल लाइन भी चेंज करानी है तो आपको एनओसी लेनी है केडब्ल्यूएस की। अब आप कहते हैं कराची के लिए तकरीबन 650 से 700 अरब रुपए, जो 1100 अरब रुपए का पैकेज, इस बात को हम यही होल्ड करेंगे, छोटे से ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। वेलकम बैक, जो वापस आ चुके हैं। सुबह सुबह हमने एक हंगामा आराई कर दी है क्योंकि हमारे पास जो बिलाल साहब बैठे हैं वो बहुत ही सच्ची और खड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन सर, आपकी सारी बातों के बाद मेरे पास फिर भी कुछ सवाल हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी कम होता है, लेकिन सवाल मेरा एक ये है, वो शायद आवाम का भी सवाल है। आपसी लड़ाइयां हैं, हुकूमत में आपस की लड़ाइयां हैं, लेकिन लोगों को उसका कोई फायदा नहीं है। आप अगर यहाँ के लोग काम नहीं कर रहे, सिंध हुकूमत काम नहीं करे, तो आप लोगों के लिए क्या करें? क्या आप उनको छोड़ देंगे अकेला? क्या आप वही मुसीबतें झेलते रहे, या आप लोग आगे बढ़ के उनका साथ देंगे, उनको कुछ कहेंगे? क्योंकि आपसे उम्मीदें आज भी वाबस्ता है। लेकिन 14 MNA कराची में हमारे इलेक्ट हुए थे और तकरीबन 22 MPs थे। हमारी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से डिटेल डिस्कशन भी हुई थी, और अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो आम आदमी के जो मसाइल होते हैं उसके लिए डेवलपमेंट फंड जो हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लग रहे हैं, और अभी तकरीबन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया 9.5 अरब रुपये के तरक्याती काम हो रहे हैं। अब मैं आपको कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की बात बता दूं। K4 का वो अजीम प्रोजेक्ट पता नहीं कितने सालों से चल रहा था, 25 सालों से K4 सुन रहे थे, उसके 25 अरब रुपए का उसका कॉस्ट थी इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था। आज उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 125 अरब रुपए, और अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी हुकूमत ने K4 को 100% ओनरशिप ले ली है, और अब K4 का प्रोजेक्ट वापडा के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करेगी। अगस्त में ग्रीन लाइन का मंसूबा इंशाल्लाह ताला शुरू हो रहा है। वो एक 10,000 बसों का वादा किया था सुभाष सिंह की हुकूमत में, 10,000 के 10 बसें भी नहीं आई कराची में, तो ये ग्रीन लाइन का मंसूबा आ रहा है। इसके साथ साथ तो आपको याद है पिछली मरतबा जब बारिश ज्यादा आता है तो पानी भी बहुत ज्यादा आता है, तो आपने देखा था कि सर आती है, अच्छा पानी आती है ये मेरे लिए नहीं तो अभी वो मैं आपको बताऊं कि जो नाले सफाई जो वो ये भी है ना आपके DMC KMC और बल्दियाती दारों का काम है, 134 अरब रुपए रखे गए हैं जो खर्च हो रहे हैं, और कराची के जो तीन बड़े नाले हैं महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला और गुजर नाला, उसमें उसकी सफाई की जा रही है, उनके जो और लेफ्ट राइट पे जो रोड्स हैं वो बनाई जाएंगी, फेंसिंग की जाएगी नालों को, जो 100-100 फुट के नाले थे चौड़े वो इंक्रोचमेंट से रह के 15 या 20 फुट के रह गए, तो पानी कहाँ से जाएगा? तो वो नाले साफ हो रहे हैं ये FWO के थ्रू, वफा के ऊपर सर घर बने हुए हैं, वही ना वफा की हुकूमत ये कर रही है, जिसके लिए 134 अरब रुपए रह गए। कराची सर्कुलर रेलवे, एक जमाने में जायका ने आपको लोन देने के लिए बहुत सस्ते रेट में लोन देने के लिए जापानीज एजेंसीज आपको देने के लिए तैयार थी, क्यों? क्या उनसे कमीशन मांगा गया था, तो कराची के लोग कराची सर्कुलर रेलवे से महरूम रहे, अब वो भी इंशाल्लाह ताला वफाकी हुकूमत बनाएगी। इसके अलावा 444 अरब रुपए का पैकेज पूरे सिंध के जो वो निगलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कभी काम नहीं हुआ, इसमें 200 अरब रुपए के मोटरवेज भी बनाए जा रहे हैं, आपकी गैसिफिकेशन ऑफ विलेजेस हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, वो तारीखी डेवलपमेंट वर्क्स हैं जो इमरान खान ने सूबे सिंध में ये अनाउंस किए हैं। सिर्फ सूबे सिंध में नहीं, इमरान खान चारों सूबों के वजीर आजम हैं। अच्छा, वापस अगर आपको ये जो सूबाई यानी कराची की जो हुकूमत काम कर रही है अगर आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आपको काम नहीं करने देते, फिर आप क्या? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जिस तरह मैंने आपको बताया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि पता नहीं किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है मुराद अली शाह साहब को, कि उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत जो है वो गली नालों में क्यों काम, गली कुचों में क्यों काम करे, जो एक आम आदमी, जो एक गरीब आदमी को चाहे वो मंजूर कॉलोनी
मुल्तानी हो, महमूदाबाद हो, या फिर आजम बस्ती है, या गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौरना, अगर उसकी सड़कें पक्की हो रही हैं तो उनको क्या तकलीफ है? क्या उनका हक नहीं है कि वो एक बेहतर तरीके से रहे? हमारा कोई हक नहीं, हम सिर्फ टैक्स भरने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आज आपको एक, आपने टैक्स की बात की ना, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल मार्केट से बड़ा ताल्लुक है। आप सर्विसेज पे सेल्स टैक्स देते हैं जो आपको ऑटोमेटिकली कट जाता है, आप मोबाइल को भी स्क्रैच काट के जब अगर अपना बैलेंस उस पर अपलोड करवाते हैं या कोई भी सर्विस लेते हैं तो एक आपका 12% से 17% का सेल्स टैक्स कटता है। तो ये तकरीबन 125-130 अरब रुपए कलेक्ट करती है सिंध हुकूमत, जिसका 90% कराची से जाता है। ठीक है, तो जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कराची इकट्ठा करता है, मैं सिंध हुकूमत को गुजारिश करता हूँ कि वो कराची पे तो वो पैसा लगा दें इनको, क्योंकि क्योंकि वो जो पैसा है, जो डेवलपमेंट फंड होता है, वो जाता है पापड़ वाले के अकाउंट में, वो जाता है ओमनी ग्रुप में, वो जाता है 32 वे के अकाउंट में, और फिर वो जाता है जरदारी सिस्टम में। और आपने अभी तो चीफ जस्टिस का भी सुन भी लिया है कि सुबह सिंध जो चला रहा है वो यूनुस मेमन चला रहा है, यूनुस मेमन का सिस्टम चला रहा है, तो वो सबको पता है। और कौन कैनेडा में है ना भागा हुआ है वो सबको पता है, वो मशहूर जमाना मंजूर काका साहब जो थे, जिन्होंने, आपने जो मुझसे पहला सवाल पूछा था ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का, कब्जों का, तो मशहूर जमाना मंजूर काका साहब जो है जिन्होंने ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को तबाह किया। तो ये वो मसाइल है। सिंध की बेटी ने मोहम्मद बिन कासिम को याद किया था तो वो उन्होंने आगे सिंध फतह किया। अब इसी तरह कराची की आवाम ने पीटीआई को याद किया था, कराची वाले नहीं, देखिए आप कह रहे हैं ना कुछ नहीं कर, ये जाती है, मैंने आपको बता दिया कराची के लिए इस साल वफाकी हुकूमत ने, आप बजट डॉक्यूमेंट्स देख ले, 98 अरब रुपए इस साल कराची के लिए रखे हैं। इसके अलावा और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची के लिए रखे जाते हैं, जिसकी मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी। 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है उसमें तकरीबन 670 से 700 अरब रुपए का जो डेवलपमेंट फंड है वो वफाकी हुकूमत के सर पे खड़ी है। किसी भी दिन हो सकती है, अभी तक रोड जो है, अगर आप बाप की बात को भी आगे बढ़ा रहे हो, और मैं दुआ करता हूँ कि इस बार जो बारिश आए वो कराची वालों के लिए वो एक रहमत की बारिश हो, क्योंकि अभी तक वो जो नाले सिंध हुकूमत को, वो जो 40-42 छोटे नाले थे जो सिंध हुकूमत ने साफ करने थे, वो अभी तक साफ नहीं हुए। और ये इसका परमानेंट सलूशन यही है कि जो आपके नालों के ऊपर गैर कानूनी तजावुजात हैं, जो लोगों ने कब्जा किया हुआ, वो आपको हटाना पड़ेगा। और उनका, और हम उसका अल्टरनेटिव उनको कंपनसेशन भी दे रहे हैं जो इलीगल बैठे हुए हैं। तो ये वो सख्त और मुश्किल फैसले हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और आप देखें, आपने बार बार कह रहे हैं उम्मीद 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 उन्हीं से की जाती है जिनसे लगता है कि ये डिलीवर करके देंगे, क्योंकि और लोगों ने सबको आजमा लिया और बड़े है ना वो आजमा के थक गए थे कि आने वाले वक्तों में पीटीआई जो है मजीद 5 साल और आगे जाएगी। आज का दिन लिख लें जी, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगली हुकूमत भी इमरान खान की और अगला प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस की नहीं है बात है, क्योंकि जो अब हमारी जो पॉलिसीज हैं उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। और जो आप देखें, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही है जिससे 40-42 इंडस्ट्रीज जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड है। टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट देख लें, टेक्सटाइल में एक्सपेंशन हो रही है। तो ये जब आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, जब एक्सपेंशन पे जब लोग जाते हैं तो जाहिर नहीं और जॉब ओपनिंग्स होती हैं, और इसके सम्राट जो है वो नीचे तक आते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये तो मैं आपको अर्बन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अब आप आ जाए रूरल इकोनॉमी में, जो किसान है काश्तकार है वो पिछले 3 साल में उसकी इनकम 40-50% बढ़ी है। ठीक है, आपका गन्ने का जो पहले सपोर्ट प्राइस थी अब क्या है, वीट की क्या प्राइस थी अब क्या है, और आप देखें कि जो मोटरसाइकिल की जो सेल्स है वो रिकॉर्ड सेल्स में, वो अरब आपके जो देहाती हैं, जो देहात में जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने उनके उनकी क्योंकि इनकम बढ़ी तो आपके आपके फ्रिजेस की सेल बढ़ी, आपके मोटरसाइकिल की सेल बढ़ी, आपके हर चीज की सेल बढ़ी। इसकी प्राइस इतनी ज्यादा डबल क्यों हो गई? ये थोड़ा सा दो चीजें मैंने आपको बता दूं। एक होता है एक आपका इन्फ्लेशन जो बढ़ता है वो डिमांड की वजह से बढ़ता है, और एक कॉस्ट की वजह से बढ़ता है, क्योंकि अभी हम पोस्ट कोविड में है तो ये इन्फ्लेशन जो है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। और मैं समझता हूँ कि अगले 12 से 15 महीने में
आपका महंगाई का जो लेवल है वो मजीद नीचे आएगा। 12 से 15 महीने में या 12 से 15 साल में? मैं भी हूँ, आप भी इधर होकर चेक कर लीजिएगा और आप देख लें कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो आपके बैरक ओबामा के जो एडवाइजर थे वो कहते हैं आज कि अगर हम इमरान खान साहब की पाकिस्तान की कोविड की पॉलिसीज अपना लेते तो हम खरबों डॉलर बचा सकते थे। कोविड का जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो सक्सेस हुई है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। साथ साथ जो एहसास प्रोग्राम है वो चार बड़े प्रोग्राम्स जो दुनिया के एहसास सोशल स्पेंडिंग का प्रोग्राम है उसमें एहसास प्रोग्राम को पाकिस्तान का जो एहसास प्रोग्राम है इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है कि आपने जो जिस मेरिट से और जिस तरीके से लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन भी सोशल प्रोटेक्शन में स्पेशली कोविड के मुश्किल हालात में तो दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया है। सर ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बातें बताई हैं और क्या कहते हैं आज वो एक नई फिर से उम्मीद जाग गई कि हम बाहर निकलेंगे तो शायद चेंज हमें मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये बताइएगा कि एज अ बिजनेसमैन, ठीक है आप कारोबारी थे, एमपीए बन गए, एमपीए बनने के बाद सिंध असेंबली पहुंचे, वहाँ के जो ठाट बाट हैं, वहाँ के जो मज़े हैं, क्या फ़र्क लगा? असेंबली में बिरयानी सुना है बहुत सस्ती मिलती है, आप लोगों को बड़ी सब्सिडी मिलती है असेंबली के कैंटीन के अंदर, आप लोगों को कोई मैंने भी सुना था कि बड़ी सब्सिडी है। जब मैं कैंटीन में गया तो मुझसे तो पूरे पैसे लिए थे। मैं आज आपको व्यूअर्स सबसे पूछते हैं सारा, मैं आज आपको पूरा बता देता हूं कि जो मैं एमपीए हूं, मैं एमपीए हूं, इसमें मेरे बेसिक सैलरी, मेरे हाउस रेंट अलाउंस है सब कुछ, जो टैक्स करके एक एमपीए को जो तनख्वाह मिलती है वो 1,46,750 मिलती है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल अलाउंसेस। तो आप देख लेंगे 1,46,750 में क्या ठाट बाट हो सकते, तो वो आपको बेटर लग सारे इसमें इसमें सब कुछ शामिल, सारे अलाउंसेस शामिल। ये मैं ये बता रहा हूँ कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या कहना? देखें लोग आपसे बहुत सवाल, लोग कहते हैं तब्दीली की बात के तब्दीली सिर्फ तब्दीली क्या चाहिए सर? मैं दोबारा मैं एक बात आपने बड़ा ये जो लोग कहते हैं कि तब्दीली देखें तब्दीली कम्स फ्रॉम द माइंडसेट। सही, लोगों को भी अपना वे ऑफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आना है। अब आप मुझे बताएं कि हम यही लोग बाहर अगर इंटरनेशनल ममालिक में जाएं तो हम कचरा सड़कों पर नहीं फेंकते, लेकिन हम कराची की सड़कों पे हम कचरा फेंकेंगे। और मुझे एक बात बताएं, इस तब्दीली के लिए आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन कितना है? आपकी ड्राइंग रूम में बैठ के आप है ना कहें कि तब्दीली आ जाए और मैं ये कर दूं वो कर दूं। देखें एक दूसरी बात है कि अगर बच्चा भी रो रहा होता है ना तो फिर माँ उसके तवज्जा होती है। और अगर आप ये समझेंगे कि घर बैठे विदाउट डूइंग एनी एफर्ट मेरे मसाइल हल हो जाएंगे तो ये मसाइल हल नहीं होता। और मैं हमेशा जो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अडॉप्ट किया है कि जो हमारी PS-103 यानी 244 की टीम है उनका मेरा कोऑर्डिनेशन है, वहाँ के रेसिडेंट्स है और कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशंस और कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन। जब तक आपके वहाँ के लोगों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर वो आपके साथ ऑनबोर्ड नहीं होंगे तो आपके उनके मसाइल हल नहीं होंगे। जो रोड आपने बनाई है वहाँ की, जो आपके भी जो नई तामीरात शुरू किए, तो पर्सनली आपने जाके चेक किया? जी मैं बिल्कुल हमारी क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज। मैं आपको दावत देता हूँ आप अपने कैमरामैन के साथ आए कि जो पहले जो 100 रुपए अगर रिलीज होते थे तो उसमें बहुत मुश्किल 30 रुपए लगते हैं, अब जो 100 रुपए हैं उसमें से हमारी कोशिश है कि 99 रुपए लग जाए तो आपको काम भी नजर आता है। और जब अभी आप देखें कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13, 12, 15, 19, 18 इसके साथ आपका शरफाबाद है, बादराबाद है, सीपी बरार है, दोराजी है, आपका शहीद मिलर रोड है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। और ये वो काम है जब इवन आप मंजूर कॉलोनी, चनेश्वर गोद, आजम बस्ती चले जाएं कि वहाँ पे सड़कें 30-40 साल बाद बन रही हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि लोग कितने खुश हैं। ये चीज आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक और सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा है क्योंकि मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ, पंजाब में अगर हम जाते हैं ना तो आप यकीन करें हाथों में मोबाइल भी होते हैं, बैग्स भी होते हैं, हमें डर नहीं लगता, लेकिन कराची में हम खौफ ज्यादा है, हमारे पास इतनी स्नैचिंग है, तो ये चीज इस पे क्या आप सोचते हैं? मैं तो रेंजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कराची में अमन अमान लाए।
अगेन सिंध पुलिस को अगेन सिंध पुलिस को पॉलिटिसाइज किया गया. अगेन ये लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो है डायरेक्ट सीएम के अंडर में आती है, सीएम उसके है ना डायरेक्टली देखते हैं, और एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन भी बना हुआ है जिसको भी सीएम देखते हैं सारा. तो ये आप जिस तरह सारी चीजें देख रहे हैं इस पे भी जरूर प्लीज इस पे करें आप थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात. देखें मैं एक बात करना चाहता हूं कि अगर कोई तंकीद होती है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, भलाई के लिए होता है, तो उसको आप एक्सेप्ट करें. ये ना कि आप अंधे हो जाएं या बैरियर हो जाएं और आप जो सब ये कि सब अच्छा है कि आप रट लगाते जाएं. और आप मिसालें दें, आज आप देखें केपी के में तमाम जो रेसिडेंट्स हैं केपी के वो इंश्योरेंस कवर्ड है, 10 लाख रुपए का वो फ्री इलाज करा सकते हैं. पंजाब में 50% हो गया है बाई दिसंबर, पंजाब भी 100% हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा. क्यों ये सिंध हुकूमत नहीं कर पा रही, क्यों आपके है ना ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं है, इतने सवाल है हमारे पास. एक चीज पूछना चाहता हूँ उनसे, आपके आपस में पीपल्स पार्टी के साथ और बड़ी रिफ्ट है, आप लोग असेंबली में भी अभी इतना दंगा हुआ, फसाद, सब कुछ पता लगा के पढ़े लिखे लोग किस तरह आपस में लड़ रहे हैं. देखिए कोई पर्सनल रिफ्ट नहीं होते हैं, इश्यूज बेस्ड रिफ्ट होते हैं. और देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि इसके बाद फिर कैफेटेरिया में साथ ही बैठ के चाय भी पीते हैं, हंसी मजाक भी होता है, एक दूसरे के काम भी कर रहे होते हैं. देखिए मुझे तो आज तक कोई ना मौका नहीं मिला कि मैंने किसी पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर के साथ चाय पी हो. सुनने में तो बड़ी बातें होती है, एक बात ये कर रहा हूँ कि जो क्रिटिसिज्म होता है या रिप्स होते हैं वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे होता है, और चाहे वो ओपोजिशन के बेंचेस पे हो या ट्रेजरी बेंचेस पे, जो भी क्रिटिसिज्म होता है उसको पॉजिटिव वे में ले. यहाँ तक कि जो पर्सनल अटैक्स होता है ना, मैं उसको कंडेम करता हूँ. सही बात है. और दूसरे सर, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पे काम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ आईटी पे काम नहीं हो, रिसर्च रुकी हुई है. इस पे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पे भी जरूर देखें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा. अगर एग्रीकल्चर पे काम होगा तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा काश्त बढ़ेगी, चीज़ें बढ़ेंगी और हमारे हालात बेहतर होंगे. आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास ही मेरा आखिरी सवाल है, आपको मैं बता दूं, देखिए एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बैकबोन है, जिसमें तकरीबन 18-20% का जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है. इस बार हमारी वीट की बम्पर क्रॉप है, आपका मेज की बम्पर क्रॉप है, और भी जाना है हमारे क्रॉप जो है बम्पर क्रॉप्स हैं. तो मैं समझता हूँ कि जिससे और महंगाई अब आने वाले दिनों में कम होगी, चावल की हमारी है ना बम्पर क्रॉप है. दूसरा आपने आईटी की बात बताई, हमारा आईटी का जो एक्सपोर्ट है पिछले साल से डबल हो गया है, और जो हमारा जो हमने विजन दिया, जो पहले 500 मिलियन आधे अरब डॉलर से भी कम एक्सपोर्ट होता था आईटी का, वो 2023 में हमारा टारगेट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम अचीव कर लेंगे कि हम 5 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट 2023 तक करने में कामयाब हो जाएंगे. बस मेरी आखिरी बात है मैं व्यूअर्स को कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें, और मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह कोविड में अल्लाह ताला ने हम पे रहम किया, और मैं बस ये सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें कोविड से हमारी जान छूटे. आमीन. और सर गाड़ियों की कीमत है, क्या आप कहते हैं कि आने वाले वक्तों में कुछ मेरे ख्याल में और नए प्लेयर्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ा है, तो मैं समझता हूँ कि गाड़ियों की प्राइसेस कम होनी चाहिए. होनी चाहिए, बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने बताया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा. फीडबैक आपका चाहिए जरूर बताइएगा. इजाजत दीजिए डॉक्टर फरह को, इमाद को, बिलाल साहब को. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.